जनाब, अब बात करेंगे शम्मी कपूर स्टारर फिल्म जानवर और ब्रह्मचारी के निर्देशक बप्पी सोनी साहब की। बप्पी सोनी फिल्मों में आने से पहले ही शम्मी कपूर के जिगरी दोस्त हुआ करते थे और हुआ करते थे मुंबई के वडाला रेलवे स्टेशन पर टीटी, ट्रेन टिकट कंडक्टर। चूंकि शम्मी कपूर उनके दोस्त थे तो अक्सर शम्मी उनसे मिलने वडाला पहुंच जाया करते थे। अब आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शम्मी बचपन से शरारती और मजाकिया किस्म के बंदे थे, सो बप्पी सोनी कभी कभी मस्ती में उन्हें अपने टीटी कोट भी दे दिया करते थे, जिसे पहनकर शम्मी कपूर टिकट चेकर भी बन जाया करते थे। खैर साहब, बप्पी सोनी को नौकरी ज्यादा दिनों रास ना आई, दोस्त भी एक्टर था और अंदर मन में भी कहीं ना कहीं फिल्मों के प्रति रुझान था, जिसे हम देसी भाषा में कह सकते हैं फिल्मी कीड़ा था। इसी बदौलत वो जुड़ गए फिल्मों से। बप्पी सोनी जब फिल्मों से जुड़े तो उन्होंने असिस्ट करना शुरू कर दिया राज खोसला साहब को। CID, मिलाप, 16 साल, इन फिल्मों में उन्होंने ग्रेट राज खोसला को असिस्ट किया और एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उन्होंने फिल्म बनाई एक फूल चार कांटे, स्टारिंग सुनील दत्त और वहीदा रहमान। ये फिल्म हो गई हिट और एस्टैब्लिश हो गए बप्पी सोनी। बप्पी सोनी की पहचान बन गई, इंडस्ट्री में लोग मानने लगे उनको। इसके बाद उन्होंने शम्मी कपूर के साथ दूसरी फिल्म बनाई जानवर, यह भी एक कामयाब फिल्म रही और बप्पी सोनी का नाम अच्छे डायरेक्टर्स, हिट कमर्शियली हिट डायरेक्टर्स, कामयाब लोगों में आने लगा। इसके बाद आई ब्रह्मचारी। इस फिल्म की सफलता ने बप्पी सोनी को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इन दो फिल्मों के अलावा बप्पी सोनी ने शम्मी जी के साथ ही दो और फिल्में की, जवा मोहब्बत और प्रीतम। चूंकि उनका रिश्ता शम्मी कपूर से बहुत करीबी रहा, इसलिए कपूर खानदान के दूसरे हीरोज भी उनके क्लोज बने रहे और बप्पी सोनी ने ऋषि कपूर, शशि कपूर और रणधीर कपूर के साथ भी काम किया। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो, सुहाना सफर विद अनु कपूर।